सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। ट्रेनिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का हम इसमें रिवीजन क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जो रेड कलर की बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, साथ में उसके बेल आइकन उसको प्रेस कर दो, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए मेट्रो और रेलवे लोको पायलट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको कमेंट दिखा दूँ, कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि निमी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना। ये रही सबसे पहले कमेंट जो कि आज वीडियो मैंने डाली थी 6 जनवरी की रिवीजन के लिए, इसमें बोला है थैंक यू, और इसमें बोला है थैंक यू पेपर अच्छा गया मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज़ सेल नंबर, इन्होंने बोला है पड्डी ओनली वीडियो से, यानी कि कोई पंजाब के भाई हैं, उन्होंने बोला 2 दिन में एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म, थैंक्स गुरुजी। इन्होंने 2 वीडियो देखी थी, फर्स्ट और सेकंड, इससे इनका पूरा कंप्लीट हो गया। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लेलिस्ट हमारी चेक करते रहें, प्लेलिस्ट से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा ओवर मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मत देखना, इस वीडियो को यहीं छोड़ देना। अगर कॉन्फिडेंस अपने आप पे है तो इस वीडियो को 5-10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता, रिवीजन कर लो। मैं बोल रहा हूँ 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपका क्या जा रहा है, सीधे सीधे फटाक से देख लीजिए रिवीजन करने में क्या जा रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, तो वो होता है हमारा मूल्य सूची। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। लोहे, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता सबसे कठोर और भंगुर बनाता है, वो हमारा सल्फर बनाता है। कौन सा बनाता है? सल्फर बनाता है। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है पुस्तिका क्या है, तो पुस्तिका क्या है वो हमेशा याद रखना, संदर्भ कार्य का एक प्रकार का अनुदेशक का अन्य संग्रह, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आए। अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, इसमें ये पूछा गया 12,000 की धनराशि और इसमें क्या है 15,600 बन जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, आप 15,600 में से 12,000 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, तो 3,600 आ जाएगा। कितना? 3,600 आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो आई है वो किसको प्रेजेंट करता है, तो आई हमेशा किसको करता है, इंटरेस्ट को करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि 9 बजे आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है एसपी का विस्तृत रूप क्या है, तो एसपी का होता है हमारा सेलिंग प्राइस, या हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो हो जाती है हमारी, एक मिनट, हाँ वो हो जाएगी संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय धातु के टुकड़े 250 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो उस धातु का रंग कैसा हो जाएगा, ये मैंने कई बार कितनी वीडियो में कराया, तो ये हो जाएगा भूरा। कैसा हो जाएगा? भूरा। आप लोग जल्दी से रिविज़न कर लीजिए, इनमें से कौन सा लोचदार सामग्री है, तो वो कौन सा हो जाएगा? नायलॉन। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, फटाक से रिवीजन कर लीजिए, वो नायलॉन हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से, जिससे कि और भी साथी आपके रिवीजन कर लें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, तो थर्मोप्लास्टिक सामग्री हो जाएगी विनाइल पॉलीमर, क्या हो जाएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक सामग्री हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये पूछा है AQ-BQ का सूत्र क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा A-B कोष्टक में A2+B2+AB, यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि जल्दी और भी साथी रिवीजन कर लें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना बी ऑप्शन, यानी कि 1 हो जाएगा। अगर आप 0 किसी भी रख देंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 5 AP घात 2 B × 8 AP घात 5 और BP घात 3, कुछ नहीं करना, इनका गुणा करना, 8×5=40 और 5×2=7 और 3 और 1 कितना, 3 और 1 1 मिनट 3 और 1 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जल्दी से रट लीजिए, कुछ भी करिए मुझे नहीं मालूम, आप पूरे लगा के आना क्वेश्चन। ठीक है, 25 में से 25 पूरे करके आना। अगला क्वेश्चन है यदि परिधि 31.4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैंने प्लेलिस्ट में जाना अच्छे से मैंने इनका पूरा सोल्यूशन दे दिया, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है।
आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, चक्र का सबसे बड़ा चाप, मतलब चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या होता है, उसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, उसे व्यास बोलते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लो और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हर बार रिपीट क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कमेंट में आप देख लेना किसी भी वीडियो में। आगे हमारा क्वेश्चन है, संतुलन का उदाहरण, किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है, तो ये हो जाएगा आयस्तर। अगर नोक पे पूछा गया तो आयस्तर, अगर आधार पे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा स्थिर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अभी क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि घर्षक गुणांक 0.0125 तो वस्तु का भार जो है दोस्तों 23 kg, तो बल द्वारा स्थानांतर कितना होता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 2400 kg, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, स्नेह को बनाए रखने के लिए एक मशीन की दक्षता कारण क्या बनता है, हमेशा देखना बढ़ जाती है, क्या जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, स्नेह को बनाए रखने के लिए मशीन की दक्षता, थोड़ा हाँ ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारा है, घर्षण पर कौन सा, मतलब घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो हमेशा देखना घर्षण बल संपर्क सतहों पर निर्भर करता है, किस पर, संपर्क सतहों पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा घर्षण का नियम है, तो घर्षण का कौन सा नियम हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि घर्षण पर क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार का स्वतंत्र, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो साथियों इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है, और इसमें रिवीजन आप कर लेना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैंने रिवीजन करवा दिया आपका। अब क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आपके और भी दोस्त इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा 7 तारीख का, वैसे मैं तुरंत एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।